दोस्तों, अगर आपको भी सीआईडी शो देखना पसंद है और आप सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर अभिजीत, इन तीनों की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है नीचे, उसे फटाक से दबा के ऑल सिलेक्ट कर ले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसात वाली रात के राज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीआईडी के सीजन 2 में एक एपिसोड ऐसा आने वाला है जिसमें सीआईडी की टीम बरसात में एक जंगल में फंस जाती है और वो पनाह लेने के लिए एक महल में जाते हैं जो महल भूतिया होता है। तो क्या होता है वहां पे, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में छोटे से जल्दी से बता दूंगा। तो दोस्तों, सीआईडी का सीजन 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, करीबन इसी महीने के अंत तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सीआईडी का जो लॉन्च इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होगा। उसके बाद सीआईडी का सीजन 2 टीवी पर आना चालू हो जाएगा। ये खबरें दोस्तों निकल कर सामने आ रही है और ये जो एपिसोड है दोस्तों, जो बरसात वाली रात का, इसमें दोस्तों सीआईडी की टीम जो है वो गई होगी राजस्थान के जयपुर और जयपुर में बारिश होने के कारण दोस्तों सीआईडी की टीम रास्ते भर फंस जाएगी, उनकी गाड़ी जो है वो खराब हो जाएगी। इसके बाद सीआईडी की टीम पनाह लेने के लिए, रात गुजारने के लिए वहां पे ही एक महल में घुस जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो उस महल में भूतों का, आत्माओं का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर उस महल में कोई ठहर जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता है। तो सीआईडी की टीम उस खाली खंडर वाले महल में घुस जाते हैं। उसके बाद सीआईडी की टीम के साथ काफी अजीबोगरीब घटनाएं होती है और सीआईडी की टीम, आपको पता ही है, भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता, और ना ही मैं रखता हूं और ना ही मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग भी भूत प्रेत पर यकीन रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस साल 2020 का टाइम है, बस ये एक हॉरर वाला एपिसोड बनाया जा रहा है जिसमें दोस्तों आपको कुछ नए सीन्स देखने को मिलेंगे, कुछ डरावनी सीन्स देखने को मिलेगी जो आपको काफी एक्साइटिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इस भूतिया एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।